आज हम पापा को मतलब हम दोनों पापा को एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं, यानी ब्रांड न्यू बाइक खरीद के देने वाले हैं। क्योंकि पिछले 12 साल से पापा हमारे घर की इकलौती सुपर बाइक यानी स्प्लेंडर चला रहे हैं। सो प्लान ऐसा है कि अब हम लोगों को पापा के लिए एक बाइक लेना है, मगर वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हीरो का, क्योंकि पापा को हीरो पे ही भरोसा होता है। वैसे तो पापा बोल रहे हैं कि स्प्लेंडर ही दोबारा से लेना है, मगर हम लोग सोच रहे हैं इस बार उनको ऐसा बाइक दे जो कंफर्टेबल भी हो और साथ ही साथ मॉडर्न फीचर्स से भरी पड़ी हो। सो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सबसे बढ़िया ग्लैमर 125 क्लासिक लगी, जो कि यहाँ अपने पास खड़ी है। और एक स्पेशल बात पता है, इसकी जो स्पेशल आइडेंटिटी थी ये चेकर्ड टाइप, वो 3 साल के बाद दोबारा से वापस आई है। हमको तो ऐसे ही देख के सेक्सी लग रहा है, क्योंकि चलाने में तो मेरा पैर जाएगा नहीं। नहीं, हाइट इसका कभी कभी कम हुआ है, तो शायद तेरा पैर जा सकता है, क्योंकि पहले जितना हाइट था उससे कम हो चुका है इसका। पहले इसका सारा फीचर बतला देते हैं, एंटेन उसके बाद टेस्ट राइड लेते हैं। अब देखो, बाइक में फीचर्स तो लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले उनकी नजर जाएगी इसके लुक्स पे। और हम दोनों को इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया लुक इसी का लगा। और बात करें फीचर का, तो यहाँ फुल डिजिटल कंसोल मिल जाता है, जिसपे स्पीड, ओडोमीटर, पेट्रोल कैपेसिटी, न्यूट्रल पोजीशन और बाकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखना बहुत ही इजी है। इस लड़की को आज जाकर पता चल रहा है कि बाइक में पास लाइट अलग से होता है, स्कूटी में तो ऐसे ही अप डाउन अप डाउन करके देना पड़ता है। गरीब लड़की है बेचारी, कोई बात नहीं, हम अमीर हैं, पापा को भी अमीर बना रहे हैं। सो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मेरा जरूरत नहीं पड़ता अमीर होता तो। जरूरत है, व्यूज के लिए अपनी बहन को लाना पड़ता है। थोड़ी सी सुंदर है तो समझ रहे, थोड़ी सी व्यूज के लिए बोल रहे हैं बस, ये सब असल में नहीं है। बॉम्बास्टिक साइड आई, यहाँ पे साइड स्टैंड का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये अच्छा है, नहीं तो ना सब लोग स्टैंड में चलाना चालू कर देते हैं। इंडिया में 40% एक्सीडेंट सिर्फ साइड स्टैंड लगा के चलाने से होता है, आपको पता था? नहीं, आपको आज पता चला। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, क्योंकि जितना एज बढ़ता होता है लोग भूलना चालू कर देते हैं। और कंफर्ट भी जरूरी है, क्योंकि पापा का स्पाइन में थोड़ा इशू है, तो कंफर्टेबल सीट होनी चाहिए और बाकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना। पहले एक बार बैठ के देखते हैं। सेक्सी दिख रहा है ब्रो, तुम नहीं गाड़ी, हम भी दिख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा ना गाड़ी। ग्लैमर सिंपली मैग्नेटिक, ऐसी बाइक जो चुंबक की तरह आपके दिल से चिपक जाए। कंफर्ट की बात करें तो बैठने में तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसकी कुशनिंग बहुत ही अच्छी दी हुई है। प्लस इसकी सीट हाइट भी कम की गई है, तो पापा को बैठने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पापा की हाइट मेरे से कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। लाइक आप देख सकते हो कि मेरे पैर बिल्कुल सीधे नहीं है, थोड़ी कंफर्टेबली है। सो आई एम श्योर पापा का पैर भी आराम से पहुंच जाएगा। इस बाइक में आपको 2-3 चीजें ऐसी मिल जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो सेल्फ स्टार्ट, पापा को किक नहीं मारना है। दूसरा ये I3S टेक्नोलॉजी जो ऑन और ऑफ होता है, अगर तुम ट्रैफिक पे गई, न्यूट्रल किए, क्लच छोड़े, I3S का बत्ती जला और गाड़ी 1, 2, 3 बंद। देखी, और अभी इसको दोबारा चालू करने के लिए पता है क्या करना है? क्या? सिर्फ हम क्लच दबाएंगे, बाइक चालू। देखी टेक्नोलॉजी बोलते। और इसकी वजह से ना आपको 2 फायदा होता है। पहला, ट्रैफिक को ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, दैट्स व्हाई पेट्रोल बचेगा, माइलेज बढ़ेगा, और साथ ही साथ नेचर के लिए बढ़िया, क्योंकि 50% पोल्यूशन जो होता है ना इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की वजह से होता है, क्योंकि ट्रैफिक पे कोई गाड़ी बंद नहीं करता है। हम करते हैं। तुम्हारे दिमाग में I3S टेक्नोलॉजी है, यहाँ गाड़ी में I3S टेक्नोलॉजी है। सो मुद्दे पे चलते हैं, इसका टेस्ट राइड लेते हैं फटाफट से, और आप लोगों को बताते हैं कि इसमें और क्या क्या बढ़िया चीजें हैं जो कि पापा के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। और हम पीछे बैठ के बताते हैं कि पीछे से कैसे लगता है। पिलियन कम्फर्ट ये बताएगी, क्योंकि है मोटी सी। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो बस इतना समझ लीजिए अपने पीछे अपनी वजनदार बहन को बिठाकर सारी गलियों के गड्ढों को आसानी से पार कर लिए, मतलब सस्पेंशन में दम तो है भाई। सस्पेंशन मस्त है ब्रो। नाउ कमिंग टू द इंजन, इसमें आपको मिलता है 125 सीसी का BS6 इंजन जो 10.4 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 10.5 PS का पावर। भाई इतना टेक्निकल बोला क्या? अरे देखो बालक, आसान भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें इतना इंजन पावर मिल जाता है कि आप हेड टू हेड ट्रैफिक में बिना गियर चेंज किए भगाते जाओ, एक थर्ड गियर में भी आराम से 15-20 की स्पीड पर चला सकते हो, और साथ ही साथ जैसे ही हाईवे पे आओ एक चुटकी पावर निचोड़ो और हवा से बातें करने लग जाओ। मतलब गियर नहीं चेंज करना तो तेरे साथ नूब लोग झटका नहीं देगा? नहीं, झटका नहीं मिलेगा इस गाड़ी पे। इस बाइक में 10 लीटर का फ्यूल टैंक है, और साथ ही साथ कंपनी क्लेम करती है कि इसमें 63 KMPL का आप माइलेज निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको लाइव माइलेज दिख जाता है, लाइक 52.5 किलोमीटर अभी एवरेज दिखा रहा है। देखो अभी 65 का एवरेज दिखा रहा है, 72, बट आई एम श्योर कि पापा इससे भी ज्यादा निकाल लेंगे, क्योंकि उनको बस 3-4 किलोमीटर ऑफिस जाना है और आना है, वो भी 30-40 की स्पीड के अंदर। 40 के ऊपर तो मेरे पापा चलाते ही नहीं। सो आई एम श्योर कि वो 70-72 तो आराम से निकाल देंगे, क्योंकि वो है तेल के मामले में चिंदी। उनको चाहिए कि 100 का तेल डलाएं, तुमको 100 किलोमीटर चलना है। तेल का पैसा तेरा बाप देगा।
अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स, सो इसे हाई स्पीड पे भी रोकना बहुत आसान है। हमको तो लगा उड़ाएगा ब्रो। टेस्ट राइड लेके भाई मेरा तो मन बन गया है पूरा का पूरा, एंड आई एम श्योर पापा को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अब अंदर जाके इसका प्राइस वाइज सारा फाइनल करते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं। इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है वो हम नहीं बताने वाले, आप गूगल पे जाओ सर्च करो ग्लैमर 125 क्लासिक और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने का पड़ा होगा मुझे। तेरे भाई के पास है बहुत ज्यादा पैसा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अब बस पापा को सरप्राइज देना है, पता नहीं चल देना है कि उनके लिए खरीद रहे हैं, बस उनको टेस्ट राइड दिलाएंगे और अचानक से उनको सरप्राइज देंगे। इतना बड़ा हो गया पगले तू, बहुत बड़ा हो गया तेरा भाई। बस यही तक था आज का सफर। एक सेकंड, कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले मेरा बात सुनो। तबियत थोड़ी सी डाउन हो गई थी इसलिए इस वीडियो का एंडिंग अच्छे से शूट नहीं कर पाए थे, सो अब मेरी बात सुनो। हम लोगों ने गाड़ी पूरा फाइनल कर लिया है, ऑलमोस्ट डन है, बस एक चीज बाकी है कि पापा से टेस्ट राइड दिलाना है ताकि हम लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि पापा कंफर्टेबली इस बाइक को चला पा रहे हैं और उन्हें भी पसंद है या नहीं है ये उनका रिएक्शन देख के पता चल जाए। और आई एम श्योर कि पापा को भी पसंद आएगी, बट जैसे ही पसंद आएगी उसके बाद एक नया वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग उनका रिएक्शन दिखलाएंगे और उसमें उनको सरप्राइज देंगे इस बाइक के साथ। सो उस वीडियो के लिए फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लो।